हम सफलता या सफल व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि सफल होने के लिए क्या क्वालिटीज या क्या खूबियां होनी चाहिए, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सफल व्यक्ति वो ऐसे क्या काम करते हैं जो उन्हें सफल बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि वह कौन सी खूबी या क्वालिटी है जो दुनिया के किसी सफल व्यक्ति में आपको नहीं मिलेगी, एक ऐसी क्वालिटी जिनके ना होने के कारण ही वे सफल हो पाते हैं। वे कभी बहाने नहीं बनाते, चाहे उनकी मर्जी के परिणाम आए या ना आए। वे कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। जेपीएससी में भी सफल होने के लिए यह क्वालिटी होना बेहद जरूरी है। यदि आप भी जेपीएससी में सफल ना हो पाने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो भी इसी वक्त अपना ये एटीट्यूड त्याग दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं, और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम इंसानों की एक खासियत होती है अपनी असफलता का ठीकरा किसी और के सर फोड़ देना। जब भी हम किसी काम को पूरा नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग ये सोचने में लग जाता है कि कैसे मैं इस असफलता के लिए अपने अलावा किसी भी चीज़ को जिम्मेदार ठहरा दूँ। लेकिन जो भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं या हो रहे हैं, वे कभी बहाने नहीं बनाते। उनके लिए असफलता एक सेटबैक तो हो सकता है, लेकिन बहाने बनाकर वे उसमें अपनी गलती से पल्ला झाड़ने की बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर काम करते हैं। तभी तो कई बार फेल होने के बाद भी एडिसन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और मनवाजित के लिए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक लाइट बल्ब का उपहार इस दुनिया को दिया। हम सब अपने जीवन में बहाने बनाने की आदत के आदि हैं। कई बार किसी काम को टालने के लिए आलस के कारण, खुद पर विश्वास की कमी इत्यादि के कारण हम कोई ना कोई बहाना बनाते ही रहते हैं। जब भी आप कोई नया बहाना देते हैं तब आपको यह लगता है कि आपने ऐसे काम करने से खुद को बचा लिया जो आप नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ये क्षणिक संतोष आपको केवल आंशिक तौर पर खुशी देता है। इस क्षणिक सुख में आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बहाना बनाकर काम टालने से आप नए अनुभवों, रोमांच और नए अवसरों के सभी दरवाजों को खुद के लिए स्वयं ही बंद कर देते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार होने से रोक देते हैं। इस पहलू पर आपने पहले शायद ही कभी विचार किया होगा। अब यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपने कई ऐसे अवसरों को इस बहाने बनाने की आदत के चलते गवा दिया। दोस्तों, जेपीएससी एक मुश्किल कंपटीशन है जहां आपको कदम थोड़े से फिसले और कोई और झट से आपकी जगह ले लेगा। यदि आपको लगता है कि आज आपका मन पढ़ाई का नहीं है और आप कोई टॉपिक कल कर लेंगे, तो याद रखिए कि कोई और है जो उस टॉपिक को आज ही पूरा कर लेगा और कल वह आपसे आगे निकल चुका होगा। इसी तरह यदि आपने किसी कारणवश अपना काम तय समय पर पूरा नहीं किया तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखिए कि आखिर क्या कारण था कि आप उस काम को पूरा करने में सफल नहीं हुए। आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेना सीखना ही पड़ेगा। किसी भी काम को ना करने के पीछे यदि आप यह कारण बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पर्याप्त समय नहीं था, पर्याप्त धन, उपयुक्त स्वास्थ्य इत्यादि नहीं थे, तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों का उपयोग करके भी हम कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपके पास क्या नहीं है, इस पर से ध्यान हटाकर इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके पास क्या क्या है और आप उसका किन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।